उसी एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है एक सॉकर मैच। वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने सॉकर बॉल के साथ वहाँ पे स्कोर करने के लिए जाता है एंड वो कहता है अब मुझे कोई नहीं रोक सकता एंड वो गोल कर देता है। एंड वहाँ पे जो लड़कियाँ रहती है वो कहते हैं ये जो लड़का है उसके पास हमेशा बॉल रहता है एंड वो अच्छा खासा खेल भी लेता है एंड सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। एंड अब दोनों टीम के स्कोर इक्वल हो जाते हैं एंड हाफ टाइम भी हो जाता है एंड वो सभी लोग चेयर अप कर रहे थे। फिर तभी जो आओशी रहता है वो अपने टीममेट्स को कहता है तुम लोग सिर्फ मुझे बॉल पास करो तो हम जीत ही जाएंगे। तुम्हें पता है हम ऐसे ही चेयर अप करते हैं। फिर तुमने उस क्लब दूसरे टीम का गोल की एंड हमारे आओशी को बुलाता है। फिर वो पता भी है ना तुम्हारे ये जो टीममेट्स है वो कितने बुद्धू है एंड ऐसे ही वो उसको चिढ़ाता है। बट फिर भी जो हमारा आओशी है वो उसे बेस्ट ऑफ लक के वहाँ से चला जाता है। बट वो जो गोलकीपर है वो उसकी सुनता नहीं और भी उसको बोलने लग जाता है। फिर तभी हमारा जो आओशी है वो उसके पास जाता है एंड वो गुस्से से उसके सामने देखता है। फिर तभी वो जो गोलकीपर रहता है वो उसे कहता है तुम्हारे जो सारे दोस्त हैं वो उल्लू के पट्टे हैं, वो सिर्फ बंदर की तरह खेलते हैं। एंड फिर तभी आओशी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो उसे एक हेडबट मारता है एंड उसे वहीं पर गिरा देता है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो आओशी की मॉम है वो कहती है कि एक हाईस्कूल मैच के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वो उसे हेडबट मारता है एंड उसे नीचे गिरा देता है। फिर तभी हमें एक बंदा दिखाई जाता है वो कहता है ओ दोस्त ने कर दिया। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है आओशी और उसकी मॉम एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं। फिर तभी आओशी की मॉम उसे कहती है तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, तुमने उसे हेडबट मार के पूरे मैच को ख़त्म कर दिया एंड तुम्हारी वजह से टीम भी हार गई। एंड फिर तभी जो आओशी की मॉम है वो हमारे आओशी को हेडबट मारते हुए कहती है तुम्हें पता भी है मैंने अपने जॉब से छुट्टी लेके तुमसे तुम्हारा मैच देखने के लिए आई थी। एंड फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है उनके कोच वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो आओशी से कहते हैं तुम्हारी गलती के कारण वो कोच यानी कि जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया, ये कह के कि हमें एक अच्छा प्लेयर चाहिए ना कि कोई इमेच्योर प्लेयर। एंड इस बात को सुन के जो आओशी है वो कहते हैं ओ नहीं। एंड फिर तभी जो हमारा कोच है यानी कि वो बंदा वो ऐसे जा रहा रहता है एंड वो कॉल पे किसी से बात कर रहा रहता है यानी कि वो कॉल पे सिलेक्टर्स के बारे में बात कर रहा रहता है एंड वो सिलेक्ट हुए प्लेयर्स के बारे में बात करता है एक लड़की से। एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है जो हमारा आओशी रहता है वो भागते हुए जा रहा रहता है। फिर तभी जो वो कोच रहता है वो उसे कहता है तुम कब तक ऐसे भागोगे, तुमने लगभग बहुत ही ज़्यादा भाग लिया है, रुक जाओ। एंड फिर तभी जो हमारा आओशी है वो वहाँ पे एकदम गिरने की हालत में हो जाता है एंड वो वहाँ पे गिर जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है हमारे आओशी का पास्ट जहाँ पर वो कैसे उस टीम में आया रहता है एंड वो वहाँ के सारे प्लेयर्स को कहता है कि मैं रोनाल्डो का रिइंकार्नेशन हूँ तो सिर्फ तुम लोग मुझे बॉल पास कर देना एंड मुझे टैक्टिक्स मत सिखा देना, मैं बहुत ही अच्छा खेल लेता हूँ, तुम सिर्फ मुझे बॉल पास कर देना तो हम जीत ही जाएंगे। एंड फिर तभी वो सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो आओशी है वो कहता है कि इन लोगों की वजह से मैं जो भी हूँ वो इन्हीं लोगों की वजह से बन पाया हूँ एंड मुझे इनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है उसको फिर से उस बंदे की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो कहता है कि तुम्हारे जो सारे टीममेट्स हैं वो सारे के सारे बुद्धू है। एंड फिर तभी हमारा आओशी उठ जाता है एंड वो देखता है कि वो यहाँ पे ही सोया हुआ रहता है। एंड फिर तभी वो नीचे देखता है उसे वही कोच दिखाई जाता है जो कि फ़ुटबॉल खेल रहता है एंड वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने टेक्निक्स के साथ फ़ुटबॉल खेलता है। एंड फिर तभी जो आओशी रहता है वो उसे कहता है हे ओल्ड मैन तुम इतने अच्छे तरीके से कैसे खेल पा रहे हो। फिर तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता हूँ। फिर तभी वो उसके ऊपर एक बॉल हिट करता है एंड उसे कहता है लो तुम ट्राई करो, बट हमारे आओशी को ये जमता नहीं है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो आओशी है वो नीचे आ जाता है उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो हमारा आओशी का भाई है वो उसके सारे क्लब के दोस्तों के साथ कॉल पर बात कर रहे थे कि आओशी कहाँ पर गया है क्योंकि बहुत रात हो गई है एंड आओशी अभी तक घर पर नहीं आया है। एंड हमें दिखाई जाता है जो आओशी की मॉम है वो अपने जॉब के लिए जा रही रहती है एंड वो कुछ सामान ढूंढ रही रहती है। एंड फिर तभी वो जो आओशी का भाई रहता है वो कॉल पे बात कर रहा रहता है एंड वो उसकी मॉम है वो जाने से पहले कहती है मुझे माफ़ कर देना मैंने तुम्हें ट्रबल में डाल दिया, तुम आओशी को खाना दे देना मैंने वहाँ पे डिनर बना के रखा है। एंड फिर तभी आओशी का भाई कहता है कोई बात नहीं मैं कर दूँगा। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है उसके जो सारे दोस्त है वो भी उसे ढूंढ रहे रहते हैं। एंड अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो
हमारा आउच ये वो उस टेक्निक को इस्तेमाल करता है, बट फिर भी उसे कुछ जमता नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है एंड वो आखिर में गिर जाता है। एंड फिर तभी वो कोच उसके पास आता है एंड उसे कहता है, देखो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी भी नहीं आएगा, तुम्हें पहले उसे टैक्टिक्स की तरह समझना पड़ेगा। फिर तभी जो आउच है वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने बॉल की तरफ जाता है एंड फिर तभी उसे कहता है, तुम मुझे बताओ मत, मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। एंड फिर तभी कोच उसे पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे जो टीममेट्स है वो तुम पर निर्भर करते हैं एंड तुम उनसे बॉल लेते हो एंड गोल करने की कोशिश करते हो। एंड वो उसे कॉइन्स की मदद से उसे पूरा फुटबॉल ग्राउंड ड्रॉ करके दिखाता है एंड फिर तभी वो कोच उससे बातें करता है। एंड फिर तभी हमें आओशी का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें आओशी कैसे गोल करता है एंड सचमुच वो कोई टैक्टिक्स यूज़ नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप फ्रीली खेलता है। एंड फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो वो कोच रहता है वो अपने पॉकेट से बहुत सारे कॉइन निकालता है। एंड अगले सीन में हमें दिखाई जाता है जो आउश की मॉम है वो घर से जाने वाली रहती है कि तभी उनके सामने वही वो गोलकीपर आ जाता है एंड उसके साथ उसकी फैमिली भी रहती है। एंड फिर तभी वो उसे बताता है कि मैंने जानबूझ के आउशी को ऐसा गुस्सा दिलाया जिसके कारण उसने मुझे हेडबट किया, क्योंकि मैंने उसको बहुत कुछ कहा था कि उसकी मॉम ऐसी है कि वो रात को जॉब करने को जाती है एंड उसकी हालत एकदम ख़राब है, इसलिए वो अच्छे जूते अफोर्ड नहीं कर सकता एंड वो ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल उसके ऊपर करता है एंड इसी का कारण वो बहुत ही गिल्टी फील करता है एंड वो आओशी की मॉम को सॉरी कहता है। एंड फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो आओशी है वो सारे प्लेयर्स की पोजीशन उस कोच को बता रहा रहता है। एंड फिर तभी जो कोच है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है एंड वो कहता है, हे बच्चे अब तुम घर जाओ, मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ। एंड फिर तभी वो जाता है एंड वो एक जगह पे जाता है एंड फिर तभी वो चलने लग जाता है एंड उसे याद आता है कि ये बच्चा इसने सारे प्लेयर्स की पोजीशंस को याद रखा है। एंड वो जाता है एंड वो अपनी जगह पे बैठ जाता है एंड वो सोने की कोशिश करता है। एंड सुबह होती है एंड हमें दिखाई जाता है वो उठ जाता है एंड वो देखता है कि जो हमारा आओशी है वो वहीं पर प्रैक्टिस करा रहता है। एंड आओशी उसे कहता है, देखो मैम अब अनस्टॉपेबल हूँ। एंड वो ऐसे कहने के बाद वहाँ पे गिर जाता है एंड फिर तभी वो कोच वहाँ पे एक लेटर लेके आता है एंड उसे कहता है, तुम्हें पता है मैं जैपनीज लीग का यूथ टीम का कोच हूँ। एंड वो ऐसे कह के वो लेटर उसके पास रखता है एंड उसे कहता है, अगर तुम मेरे टीम में आए तो मैं तुम्हें वर्ल्ड स्टेज तक ज़रूर लेके जाऊँगा। एंड ऐसे वो उसके ऊपर फॉर्म रख के वहाँ से जाने वाला रहता है एंड वो उसे कहता है इसके बारे में अपने घर पे बात करना। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो हमारा आओशी है वो स्कूल में रहता है एंड वो अपने स्कूल की छत के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा रहता है कि तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आती है एंड वो उसे कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा मैच किया बट तुम्हारे एक गलती के कारण तुम्हारा सिलेक्शन कैंसिल हुआ ना आओशी। फिर आओशी कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सॉकर तो सॉकर है ना, मैं अभी भी सॉकर खेल रहा हूँ। फिर तभी आओशी के दोस्त आते हैं एंड उसे कहता है, हे देखो आओशी मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ एंड चलो हम सॉकर खेलते हैं। फिर तभी आओशी कहता है, ज़रूर। एंड वो सॉकर खेलने के लिए लग जाते हैं एंड ऐसे ही वो सॉकर खेलते रहते हैं। फिर तभी उनकी मैच खत्म होती है एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है जो आओशी है वो उस फॉर्म को अपने घर में दिखाता है एंड फिर तभी उसकी मॉम कहती है, देखो आओशी तुम्हें पता भी है ना हम सचमुच ऐसे चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते एंड तुम्हारी एज ही क्या है कि मैं तुम्हें टोक्यो भेजूँ और इसके कारण मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है उनका मैच खत्म हो जाता है एंड ऐसे वो बात कर रहे रहते हैं। फिर तभी आओशी का भाई वहाँ पे आता है एंड वो लोग चलने लग जाते हैं। फिर तभी आओशी का भाई उसे बताता है कि वो जो तुम्हारे कोच है वो सचमुच एक बहुत ही मशहूर प्लेयर थे उनके टाइम पर एंड वो सचमुच स्पेन तक खेल के आए एंड वो इंटरनेशनल प्लेयर बन चुके थे बट उनके एक इंजरी के कारण उनका करियर ख़त्म हो गया था, इसलिए अब वो एक यूथ के कोच है। एंड इसके बाद जो हमारा आओशी है वो कहता है, अच्छा। एंड फिर तभी आओशी उसे कहता है कि उनकी जो बात है वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें वर्ल्ड स्टेज तक लेके जाऊंगा। एंड फिर तभी आओशी कहता है, तुम टेंशन मत लो, और वो उसे एक लिफाफा देता है जिसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं। एंड वो उसे कहता है, ये मेरी सेविंग्स है, इसे वेस्ट मत कर लेना क्योंकि इसे इकट्ठा करने में मुझे बहुत टाइम लगा है एंड हम तुम्हें कैसे वैसे करके वहाँ पे भेज देंगे, अब तुम्हारा बेस्ट दे देना। एंड आओशी इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो अब रेडी हो चुका है। एंड इसी तरह ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।